हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्णजा मिश्र, वेलकमिंग यू ऑल टू द सीकेएस केयर यूट्यूब चैनल। तो मुँ आशा करुँ तुमने कैप्सूल खाई समस्त भल थ टे आस हेवी डोज नहीं जाओ, कैप्सूल तो बहुत कम हो तो जो आम एमसीक्यू सीरीज चलता से एमसीक्यू सीरीज 28 नंबर लेक्चर आम सरला आज आम 29 नंबर लेक्चर स्टार्ट करवा जो थे कि आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्र किसी क्वेश्चन करवा। तुमने कहते ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्र क्वेश्चन करने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्र क्वेश्चन आम नहीं लेक्चर नंबर 29 रे 28 जाक लेक्चर जो मैंने देखी ना से मैंने देखी नियो 775 क्वेश्चन तुम ऑलरेडी हो सारा डिस्कसन आो मान क्वेश्चन प्रॉब्लम होती से थ्योरी को जाओ थ्योरी भी तुम 11 खंडे थ्योरी अपलोड हो सारा 11 ही अपलोड हो सारा अनसर्ट थ्योरी तक देख क्वेश्चन तक कर तापर तुमको प्रॉपर प्रैक्टिस और रिविजन कले सब क्वेश्चन ठीक हम। ओके तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट करदे। आज फर्स्ट क्वेश्चन जोटा कि तुम ये सीरीज रो 776 नंबर क्वेश्चन 776 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कौन द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच अराइजेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कनेक्टिंग वायर्स ऑफ द सर्किट इन अ डिफाइंड क्लोज्ड पाथ। ये जिनसा तुम कौन बोली कहते देख जो आम करंट कंडक्शन करुच गोटे तार करंट कंडक्शन जो आम जानी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को करंट फ्लो हुए गोटे बल्ब लगेद है पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो हुए ये बल्बटा ग्लो हुए जो मोर स्विचटा अन् अच्छी ठीक अच्छे यहाँ आम आगे जानचे सी कौन करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच अराइजेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कनेक्टिंग वायर ऑफ सर्किट इन अ डिफाइंड क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ माने कौन ना स्विच अन् अच्छी पाथ क्लोज्ड अच्छी तमाने करंट फ्लो करा तुम पिला जो करंट पढ़ु से ही करंट ही कंडक्शन करंट बा आईसी कहते गोटे नुआ करंट आस डिस्प्लेसमेंट करंट ये चैप्टर में आसने क्वेश्चन कहीदेवी से कौन और एल्स नॉर्मल ये तुमको क्वेश्चन पढ़े किसी डाउट पढ़ार नहीं एसी डीसी डिस्प्लेसमेंट एगढ़ किसी हमार ना नॉर्मल क्लोज्ड पाथ में करंट फ्लो कल तो कंडक्शन करंट भी कहते तो ऑप्शन नंबर सी हो तुम राइट आंसर। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन को जीवा सीरीज जोड़ा 777 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कौन द कंडक्शन करंट इज सेम आज डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंटा डिस्प्लेसमेंट करंट सागे सामान हम के सब बेले जी करंट कंडक्ट हे से करंट डिस्प्लेस हे ओनली एसी ओनली डीसी नुह ओनली लगे ये कटिजे इधर डीसी और एसी दुटा केस मोर कहीपरि जो मुझे कंडक्शन करंट सेम आज डिस्प्लेसमेंट करंट बोली। ओके थर्ड क्वेश्चन आसला कौन तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाज फास्ट पोस्टुलेटेड बाय किए किए फास्ट डिस्प्लेसमेंट करंट को पोस्टुलेट करते किए करते ना थ्योरी क्वेश्चन तुम मैक्सवेल करते यहाँ जी जानव से जे थ्योरी पढ़ी थोरी पढ़ला बेल ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ी जमी हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स सब जिन हिस्ट्री थाए ना से तुम यहाँ अच्छी मैक्सवेल फास्ट डिस्कवर करते मैंने कौन से विषय में पोस्टुलेट देते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी जदि ई आउ बी डिनोट करुचे आम देन द डिरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केमती एक्सप्रेस कराब देख गोटे जो डिरेक्शन ने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करुच जो डिरेक्शन ने मैग्नेटिक करंट फ्लो करुच्ची दिन जाकर क्रॉस प्रोडक्ट आमको दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो डिरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तुमने क्रॉस प्रोडक्ट बोले ई क्रॉस बी डी हो जाए राइट आंसर देख ये बी क्रॉस ई भी अच्छी यहाँ को मारदेवनी यहाँ मारे भूल जाव डी हूँ आम ई क्रॉस बी हूँ देख ई क्रॉस बी जी बी क्रॉस ई कले तार एका कथ नुहे यहाँ जहाँ यहाँ से नुहे। ओके तो से अनुसार डी मार सी मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो कह अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय एते एनी मीडियम माने के तुम सी रे एक्सप्रेस नगर भी रे एक्सप्रेस कर नॉर्मली सी आम कौन जानचे ना वन बै म्यू नट एप्सिलॉन नट रूट ओवर ये आम जानचे सी बोली है स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस वैक्यूम आदि मीडियम कथा कौन तो भी जगह के पकड़ा वन बै म्यू एप्सिलॉन नट रूट ओवर जोटा कि तुम आउ भी कमी एक्सप्रेस कर तुम अलरेडी ऑप्शन अच्छी बोधे ऑप्शन नंबर बी अच्छी और एल्स एटा आउ भी कमी लिखिपर आम कौन जानचे रिलेटिव वेलोसिटी इज रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी इन अ गिवन मीडियम अपन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस सो म्यू जगह तुम पकई पार म्यू नट आउ म्यू आर एप्सिलॉन नट जगह पकई पार एप्सिलॉन जगह पकई पार एप्सिलॉन नट इनटू एप्सिलॉन आर रो रूट ओवर यही जिनस रू डिराइव हो जिनसा आ। ओके ऑप्शन नंबर सी बी हो तुम राइट आंसर आपको चलो अच्छा 81 नंबर क्वेश्चन कौन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन ट्रांसपोर्ट करे नहीं ऑप्शन अच्छी एनर्जी मोमेंटम चार्ज इनफॉरमेशन कौन ट्रांसफर करे नहीं नॉर्मली चार्ज ही ट्रांसफर करे नहीं ई क्रॉस बी जो तुम बाहर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
कौन करे नी ना हाँ चार्ज ट्रांसपोर्ट करे नी एनर्जी ट्रांसपोर्ट करे मोमेंटम तो ट्रांसपोर्ट करे इनफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट हुए है ना नहीं हुए नहीं किए ना चार्ज ट्रांसमिट हुए देखो नॉर्मल तुम पढ़ले तुमको लगुन थोड़ा चार्ज हुए नहीं बोली बट एक्चुअली निजे चार्ज निजे पार्टिकल निजे मूव करे नहीं कौन सी वेव रे से एनर्जीटा को ट्रांसमिट कराए मोमेंटम टाक ट्रांसमिट कर जो इनफर्मेशन अच्छे ट्रांसमिट कर निजे मूव करनी ओके तो चार्ज मूव कैन आगे चल नेक्स्ट क्वेश्चन गला वि कनसीडर रेडिएशन इमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी नॉर्मली मनुष्य बॉडी कौन रेडिएट रेडिएशन इमिट होता है कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू कोटा बोली पचारे ओके कह द रेडिएशन इमिटेड इज इन द इन्फ्रारेड रीजन ही तो होता है बाकी आगे देखा टी द रेडिएशन इज इमिटेड ओनली ड्यूरिंग डे एमती नुह दिन में कौन सूर्य लोक पड़ू रेडिएशन इमिट हम ना कौन ना रेडिएशन इज इमिटेड ड्यूरिंग द समर एंड अब्जर्व ना द रेडिएशन इज इमिटेड लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन एंड हेन्स नॉट विजिबल एमती भी नुह ये गोटिक ही इन्फ्रारेड रीजन शॉर्टर वेवलेंथ वाला इन्फ्रारेड रीजन रेडिएट हुए ओके आगे चल ये भी थ्योरी क्वेश्चन ये तो यहाँ हाँ आपको चलो सर 83 नंबर क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन कौन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यहाँ भी तुम पढ़ी थो जो मन रखे से ही कहपर यहाँ विजिबल लाइट रेंज लाइट विजिबल लाइट वेवलेंथ रेंज के 4000 8000 आमस्ट्रंग बेले बेले तुम 400-700 आमस्ट्रंग नानोमीटर भी लिखाई थाएगा देखो आमस्ट्रंग नलखी मानक नानोमीटर लिखे तरह 400 लिखा हे 400 नानोमीटर 800 कोटी कोटी 700 भी लिखाई थाए 700-750 ये रेंज आसले भी हम ये 400-450-350 ये रेंज रेल भी हम है ना पूरा हेल इवेन डिफरेन्स ना टे 50-60 बट होती बोले होती है ओके आईदर आमस्ट्रंग लिख नानोमीटर लिख आपको चल 784 नंबर क्वेश्चन कौच इफ VS, VX एंड VM आर द स्पीड ऑफ सॉफ्ट गामा रे एक्सरे एंड माइक्रोवेव्स रेस्पेक्टिवली देन अच्छा एम स्पीड पचारे स्पीड रो रिलेशन पचार देख नॉर्मली आम जान जो तुम जानव जो तुम गामा रे यार फ्रीक्वेंसी सब अधिक सब गोटे सीरीज लिखी दूसरे दैट यार एक्चुअली कतोटे क्वेश्चन तुमको कराइक पड़ो मुझ सीरीज लिखी दूसरी सीरीजा केमी थे तुम स्टार्टिंग जब गामा रे करो गामा रे कॉस्मिक रे रु स्टार्ट कर ना कॉस्मिक रे रु स्टार्ट कर सान रु बड़ कर लिखी दूसरी मैंने फ्रीक्वेंसी रेंजटा आसेंडिंग ऑर्डर लिखुची आसेंडिंग फ्रीक्वेंसी सबुठ कम हो रहा रेडियो वेव्स तापर माइक्रोवेव्स तापर इन्फ्रारेड तापर विजिबल तापर अल्ट्रा वायलेट तापर एक्सरे तापर गामा रे तापर कॉस्मिक रे है ये तुम कौन ना फ्रीक्वेंसी इनक्रीज हो डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इनक्रीजिंग ऊपर तो लिखी थी असेंडिंग फ्रीक्वेंसी हो फ्रीक्वेंसी इनक्रीज हो अच्छा तुम जान सरकार फ्रीक्वेंसी आउ वेलोसिटी रिलेशन कौन आम कौन जानते वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय टाइम को मुझे लिखिपर मैंने वेवलेंथ बाय टाइम को वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी बोली भी लिखिपरि है ना नहीं तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी रिलेशन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन तो जहाँ फ्रीक्वेंसी सब अधिक तार स्पीड सब अधिक अरे यहाँ बा स्पीड पचार बोले वेवलेंथ समस्त अलग ना तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कमी हम हाँ स्पीड समस्त कन्स्टांट हम डी इज राइट आंसर एटा कि पढ़वार ही नहीं वेलोसिटी इज इक्वल टू आम जो कौन वेवलेंथ इन टू फ्रीक्वेंसी एटा वेलोसिटा फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल हम जब तुम लांबड़ा कन्स्टांट थी आठ तो लांबड़ा कन्स्टांट नुह ना ये जमी फ्रीक्वेंसी इनक्रीज होमती वेवलेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे भी कहींपर फ्रीक्वेंसी बढ़ुची वेवलेंथ कमुची तो जहाँ तो वेलोसिटी तुम हाँ वेलोसिटी कन्स्टांट हम ये बढ़ला बेलू ये कमु थोड़ा प्रडक्ट तो कन्स्टांट हम ना तो वेलोसिटी किसी अपडाउन हेनी तीन टाक सामान हम राइट राइट डी हो राइट आंसर ओके ये आप बड़ सामान करदेवनी डायरेक्टली प्रश्न कल भूल जदि वेलोसिटी कि वेवलेंथ कि फ्रीक्वेंसी पचास था आम ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन भाई था स्पीड ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन हेनी इक्वाल हम तो डी हो राइट आंसर ओके आपको चल तो 84 नंबर क्वेश्चन कौन इफ इलेक्ट्रो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ गामा रे फ्रीक्वेंसी आसला
एन वन एन टू एन थ्री एन वन कहार गामारे एन टू हूँ एक्सरे अल्ट्राभायोलेट हूँ एन थ्री आम सीरीजटा कौन पड़े गामारे एक्सरे अल्ट्राभायोलेट देख गामारे एक्सरे अल्ट्राभायोलेट तो मैंने गामार सब अधिक तार कम एक्सरे रो तार कम अल्ट्राभायोलेट गामार किए एन वन तापरे एक्सरे तापरे अल्ट्राभायोलेट ताल एन वन सब अधिक एन टू तार कम एन थ्री तार कम ए तो यहाँ हो रईट आंसर एन वन सब अधिक एन थ्री सब कम एन टू इन बिटवीन रोचे ये हो रईट आंसर ओके आखू चल 786 क्वेश्चन कौच द वेलोसिटी ऑफ ऑल द रेडियो वेव्स इन फ्री स्पेस इज दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ एतिकी इज केते अच्छा ताले वेलोसिटी देची वेवलेंथ देची फ्रीक्वेंसी पचेछ सॉर्टेड हम एबे पढ़ीथिले वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी ताले फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ वेलोसिटी के देची ना 3 इनटू 10 टू द पावर 8 आ वेवलेंथ के देला 150 मीटर भाग्य को एटा भी मीटर रे अछि एटा मीटर पर सेकंड रे अछि त केहि का कुछ कन्वर्ट करे दरकार नै गोटे जीरो काट दियो 15 एटा काट दियो 5 रे काट देले एटा जो 10 टू द पावर 7 बाय 5 एटा कर दियो 10 टू द पावर 6 इनटू 10 बाय 5 कर देले 2 हि जबो 2 इनटू 10 टू द पावर 6 हर्ज अच्छा हर्ज नै मेगा हर्ज अछि ताले 2 मेगा हर्ज 10 टू द पावर 6 जहा 1 मेगा हर्ज छे 2 मेगा हर्ज बोला ऑप्शन नंबर सी हि जबो राइट आंसर ओके एटा बड भलो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 786 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कौन ओजोन लेयर एबव अर्थ एटमॉस्फेयर विल नॉट अर्थ ऊपर जो अच्छी ओजोन लेयर से कौन करिबो नहीं 786 एटा थिला कि एटा 787 जबो ना देखो जो ओजोन लेयर अच्छी ओजोन लेयर एबव एटमॉस्फेयर ये कौन करिबो नहीं कौन करिबो नहीं ना प्रिभेन्ट इनफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन रिचिंग द अर्थ एटा तो कर ओजोन लेयर काम ही इं कौन कर विल नॉट मैंने तरह फॉल्स स्टेटमेंट काटर अच्छी मैंने कौटा करू ना काटर अच्छी देखा प्रिभेन्ट इनफ्रारेड रेडिएशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थ फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ सर्फेस हाँ बाहर की जापारे ये भी ठीक अच्छे देखा प्रिभेन्ट अल्ट्राभायोलेट रेज फ्रॉम सन एटा ही तो ये ना प्रिभेन्ट अच्छा इनफ्रारेड देता इनफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन रिचिंग द अर्थ हाँ बड़ बड़ वेवलेंथ वाला अटकाए सान वेवलेंथ वाला जीवाक दिएनि दुटाक ठीक अच्छे प्रिभेन्ट अल्ट्राभायोलेट रेज फ्रॉम द सन एटा भी ठीक अच्छे रिफ्लेक्ट बैक ना तो ये ऑलरेडी क्या जो इनफ्रारेड को छाड़ पार्वन रेडियो को कौन छाड़ छाड़बन रिफ्लेक्ट बैक करें रखिदेव सी अब्जर्व करदेव तो डी हो रईट आंसर ओके आज तुम टे थोरी लिखा चाहो लिखीद पार ओजोन लेयर कौन करे ना ओजोन लेयर अब्जर्व करे अल्ट्राभायोलेट को रिफ्लेक्ट करे इन्फ्रारेड को आउ रिफ्लेक्ट करे नी कहा को डज नॉट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव को है ना रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करे रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करिबनी रिफ्लेक्ट करे से इन्फ्रारेड को अब्जर्व करे अल्ट्राभायोलेट को ओके एटा को जे स्क्रीनशॉट नाउ जों जो नै जे परबो आकु चलो एटा थला तमरो 787 ना एटा जो 788 क्वेश्चन कहू छी हुई ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ सब कम वेवलेंथ कह सब कम वेवलेंथ कह रही पचार गामारे एक्सरे बिटारे कौन छाड़ी गामारे बिटारे आलफारे एक्सरे यहाँ सब कम वेवलेंथ कह रहा सब अधिक फ्रिक्वेन्सी तार सब कम वेवलेंथ कह रहा तरह से ही यस गामारे यार फ्रिक्वेन्सी सब हाइएस्ट आउ वेवलेंथ सब लोएस्ट ओके आपको चल कहला क्वेश्चन था 789 यहाँ क्वेश्चन कौन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन सोर्स स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड वैक्यूम थी क्या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन ऊपर डिपेंड करे ताले कौन हम अच्छा देखिए गामारे एक्सरे को चेंज हम आम पढ़ले स्पीड चेंज हम स्पीड बा कांस्टेंट बोले कहले स्पीड वैल्यू के वैक्यूम कही वैक्यूम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आ म्यू नॉट वैल्यू तो कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट वैल्यू तो कांस्टेंट तो ये इंटरजेंस में गोटे कांस्टेंट टर्म दबो इनक्रीज डिक्रीज कहीं हम सेम फॉर ऑल हम ना
आगे चल 790 क्वेश्चन कौन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग फर्टिलाइजिंग एजेंट इज के तेल गला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूज करा हुए फूड प्रोसेसिंग रे स्टेरिलाइजिंग एजेंट के से यूवी रे ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करछ इलेक्ट्रो अल्ट्रावायलेट रे हो ना बी हिज राइट आंसर ओके आगु चलो एबी थ्योरी एप्लीकेशन रे तुम पढे गुड वर्क कर यार हला 790 सरतला ना 91 तापर कहला एटा तमरो देछि स्टेटमेंट दे दिछि यांको दुर के ठीक है बोली बचछि देखो वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट रे वेवलेंथ ऑफ इन्फ्रारेड इज लेसर देन अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव अच्छा बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू नो तुम को वेवलेंथ दे छि माइक्रोवेव गुड दे छि अल्ट्रावायलेट दे छि इन्फ्रारेड दे छि अल्ट्रावायलेट दे छि माइक्रोवेव दे छि इन्फ्रारेड दे छि शॉर्टर वेवलेंथ गामा रे हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एटा तो ठीक अछि करेक्शन हो जे ना गामा रे हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द एटा तो ठीक अछि गामा रे सब टू कम वेवलेंथ तो सब टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जो अन्य मान रह गेले तुम जदि सीरीज से सजेब सब टू कम होछु गार कहली गामा रे रो ताठु टिके अधिक अल्ट्रावायलेट रो ताठु टिके अधिक इन्फ्रारेड रो आउ अधिक माइक वेवलेंथ ना माइक्रोवेव रो ओके जो सीरीज रे फ्रीक्वेंसी बढ़ुचु बोली कहउथिले तार ठीक ओल्टरे वेवलेंथ कमुचु बोली कहया ओके जहार फ्रीक्वेंसी सबुठ अधिक तार वेवलेंथ सबुठ कम चल आकु चलाबे कहला वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट माइक्रोवेव टा अल्ट्रावायलेट अधिक ठीक अछि आकु चलो इन्फ्रारेड रो लेस देन अल्ट्रावायलेट इन्फ्रारेड रो अधिक हो अल्ट्रावायलेट ए भूले गला वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज लेसर देन इन्फ्रारेड माइक्रोवेव इज लेसर देन इन्फ्रारेड ना मोर देन इन्फ्रारेड ए भूल तले 1 आउट 4 ठीक दैट इज ऑप्शन नंबर डी हिज हमर राइट आंसर ओके तुम जदि ए टेबल टा जानथिबो तमरा ये ठीक हो न जानथे त ठीक मय मय बसि खबो तो आकु चला 791 सतला 792 क्वेश्चन कहूँ मैच द फॉलोइंग तुमको दुटा स्तंभ देती स्तंभ वर्णन कर अच्छा कहल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे जो एनर्जी थाए से क्या सांगे एकोमोडेट कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो एनर्जी रो फॉर्मूला तुम जानते दरकार देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो जो तुम फॉर्मूला कह तुम कौटाई गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लगे हम गोटे मैग्नेटिक फील्ड लगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एनर्जी के हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड रे हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट ओके ए रही थ्री देखिए ए री कौटी कौटी अच्छी गोटे ऑप्शन अच्छी ना गोटे किसी चेक ही करा दरकार नहीं स्टिल आम रिफरेन्स देखीद बी रो टू देखिए ठीक अच्छे देखीद रेडिएशन प्रेशर रेडिएशन प्रेशर यहाँ एनर्जी डेंसिटी बाय स्पीड ठीक अच्छे आपको चल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम सी रो देखिए 1 यहाँ आम अलरेडी जानी सी भी इज इक्वाल टू कि सी देखे आमर था 1 बै म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तापर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्मूला ही गुटिक एप्सिलॉन नॉट इनटू डी डी फाइ ई बाय डी फाइ माने फ्लक्स चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ठीक ही अच्छे ऑप्शन नंबर ए हिजबो राइट आंसर आकु चलो 792 एटा 93 क्वेश्चन कहूँ मैच द फॉलोइंग एटा मैच द फॉलोइंग अच्छी अल्ट्रावायलेट रे का संगे मैच कर अल्ट्रावायलेट रे अच्छा एप्लीकेशन गुड़ा देखिए बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुड़ाक देर यूज गुड़ाक देखिए अल्ट्रावायलेट रे कौन यूज करा सैटेलाइट सैटेलाइट इन्फ्रारेड यूज करा इन्फ्रारेड लगे ना एर बी तब आम अल्ट्रावायलेट रे खोजे ना अल्ट्रावायलेट रे कौन यूज हुए सैटेलाइट एयरफोर्स रडार तो नुह टेलीविजन में चेकिंग फॉर मिनरल सैंपल यहाँ इन्फ्रारेड रो 4 हो देख लो एरो 4 0 1 एरो 4 0 1 ए रे अच्छे स्टिल टी आम क्रॉस चेक देखीद सीरो 2 दे माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स तो यूज हुए रडार पे ठीक अच्छे रेडियो वेव्स यूज हुए 0 3 दे टेलीविजन रेडियो टेलीविजन ही यूज करा तो ठीक है सब तो ठीक अच्छे ओके तरह राइट आंसर एरो 4 0 1 0 2 D3 ठीक अच्छे आगे चलो 794 क्वेश्चन कर देला लाइट वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग वाइड डायरेक्शन लाइट वेव टा कौन ना वाइड डायरेक्शन जा इफ द करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एनी टाइम एट एनी टाइम अलोंग एक्स एक्सिस अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ लाइट वेव मूव करुच्च वाई एक्सीस तेल बी रेक्टर बी रिरेक्शन कौन हम यहाँ हूँ वेव रो प्रोपागेट करुच्चे
हला अच्छा एटा जदी एपटे जाउची एटा दी एपटे चल ताले बीरो डायरेक्शन कोन ताको क्रॉस प्रोडक्ट आ यार यार क्रॉस प्रोडक्ट कोटा एटा हबो तो पॉजिटिव जेड एक्सिस हिजबो सी हिजबो राइट आंसर आमे जानछि कोन जे प्रोपगेशन करे से प्रोपगेशन टा को डायरेक्शन होवे ना ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको एटा दैछि आ एटा दैछि एटा पचैछि तो एक जन क्रॉस प्रोडक्ट हेले प्लस पॉजिटिव जेड एक्सिस एटा नेगेटिव जेड एक्सिस मार देबो नेओ पॉजिटिव जेड एक्सिस ठीक हबो नेगेटिव कहले कहले होतन ताकलो जे उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट होतन ताहले हम भाबी थान ताकथा होउनी तो एठी पॉजिटिव जेड एक्सिस नै जेबा दैट इज ऑप्शन नंबर सी हिज हमर राइट आंसर ओके आगु चलो 95 ना एटा क्वेश्चन कहू आसेटन रिजन क्वेश्चन अच्छी ओके देख कहला चार्टा ऑप्शन देखा जो ठीक थी से अनुसार मारे फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट चेंज भूलगला द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस इन द रीजन इन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट विथ टाइम हाँ ये पार तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट कही देखो तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट पचरा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजिंग कहे कंडक्शन करंट जमीन कहे तार इलेक्ट्रॉन फ्लो कला तार अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर हाँ ना जो डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट केतबाळे करंट हम डिस्प्लेसमेंट करंट केतबाळे हम इट अराइजेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज चेंजिंग विथ टाइम इज चेंजिंग विथ टाइम आम एक्सप्रेस केमती कै ना एप्साइलन नट डी फाइ ई बै डी टी ओके ये एक्सप्रेस कैं आउ भी कौन कहींपर आम इट क्षतिकर हम व्वेन चार्ज इन द कैपेसिटर डज नॉट चेंज बट चेंजिंग विथ नॉट कांस्टेंट बट चेंजिंग विथ टाइम है टाइम संगे चेंज होतेपर इट अल्सो डू सो इट अल्सो इट विल बी लिखी दि ना इट विल बी सो इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजिंग विथ टाइम बट चेंजिंग विथ टाइम हाँ देखी दियो ताले कौन हला डज नॉट चेंज कौच डज नॉट चेंज नुह चेंज हम यहाँ भूलगला डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट टाइम यहाँ ठीक अच्छे तो ए भूल आर ठीक ए आसर्टन रीजन कर रीजन करेक्ट डी हो राइट आंसर ओके आसर्टन भूल रीजन ठीक ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहे सी आसर्टन रीजन क्वेश्चन ऑप्शन देखा ठीक भूल अनुसार आपड़िया कौच व्वेन द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट इनक्रीजेस विथ इनक्रीज इन फ्रीक्वेंसी यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ ठीक अच्छे कारण आम कौन पढ़े चेंज हवा दरकार आम चार्जे फ्रीक्वेंसी इनक्रीजेस कंडक्शन करंट अल्सो इनक्रीज ये भी ठीक अच्छे फ्रीक्वेंसी बढ़े कंडक्शन करंट बढ़ कंडक्शन करंट बढ़े ही तो आम डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ ना तो आसर्टन भी ठीक अच्छे रीजन भी ठीक अच्छे और रीजन टाइम एक्सप्लेन करुच्छे आसर्टन को ऑप्शन नंबर रीजन ये राइट आंसर ओके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगे चलो 796 तुम एवं 97 देख 97 क्वेश्चन कौच इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ओके इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट 1 mA इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 2 μF पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस केते हो पचार अच्छा ताहले जदि डिस्प्लेसमेंट करंट आमको आई डी वैल्यू देदेला आम कह डिस्प्लेसमेंट करंट जी कंडक्शन करंट से केते तुमको देती ना 1 mA 1 mA को कौन लिखिपर 1×10⁻³ A आउ कौन दे 2 μF पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने कैपेसिटेंस 2 μF जहाँ को मुझे कहीपरि 2×10⁻⁶ F गला पचार कौन कौन पचार पोटेंशियल डिफरेंस के पचार ओके तो मुझे जो ये को डिस्प्लेसमेंट करंट को कंडक्शन करंट को कमी एक्सप्रेस कर चेंज इन एनर्जी पर कहते ना चेंज इन आई डी एप्साइलन नॉट
डी फाइ ई बैडी तो मुझे आउ कौन कहूँ ना डी बैडी अफ सी भी कहींपर कैपासीटास टू पोटेनसीआल है ना कैपासीटास को बाहर को नहीं आस ते डी बैडी कर दि से पचार पोटेनसीआल डिफरेन्स खाली भी पचार खाली पोटेनसीआल पचार डी अच्छा देख ऑप्शन देख वोल्ट पर सेकेंड वोल्ट पर सेकेंड वोल्ट पर सेकेंड तो ये आम कुछ असुविधा ना डी बै डी डायरेक्ट काटदे तो डी बै डी मोर के डिस्प्लेसमेंट करेन्ट बाई कैपासीटास होगा डिस्प्लेसमेंट करेन्ट के मोर देती वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री बाई कैपासीटास के ना टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस सिक्स काट वन बै टू को लिखिपर जीरो पॉइंट फाइव इंटू यहाँ काटदे टेन टू दि पावर माइनस थ्री ऊपर को पड़े थ्री हो फाइव इंटू अच्छा ये आउ गए काम करदे पाँच बै दस करदे इंटू टेन टू दि पावर थ्री गोटे शून गोटे काट दिव आउ दुटा शून रहा पाँच सौ वोल्ट पर सेकेंड डी हो मोर राइट आंसर ओके नाइस क्वेश्चन आपको चलो तानबे नाइंटी एट सर था ना कैसे था नाइंटी एट क्वेश्चन सेवेन नाइंटी एट सॉरी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस ओके द क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की देखो ये जो मतलब के देती या ओमेगा देती मानक चिंता दरकार के मोर के ना वेव कन्स्टेंट जहाँ तुम कहते टू पाई अपन लामडा आज जो ओमेगा दिला तुम आंगुलर फ्रिक्वेन्सी से तुम कमी एक्सप्रेस कर टू पाई बाई टी टू पाई इंटू न्यू बोली करें आम जदि आमको के ओमेगा ओमेगा के ओमेगा के बाई ओमेगा एम सब देती मैं के बाई ओमेगा बाहर करे बाई ओमेगा कल कौन करी टू पाई बाई लामडा डिवाइड्स टू पाई बाई न्यू करी है ना नहीं आगे कौन लिखिपरि ना टू पाई बाई लामडा इंटू न्यू बाई टू पाई टू बाई टू पाई काट न्यू बाई लामडा है टू पाई बाई न्यू ना भूल कर टू पाई इंटू न्यू ना यहाँ बाई न्यू को हिसाब से कल टू पाई इंटू न्यू तो वन बाई तुम वन अच्छी बै टू पाई कटिगला तो तुम हो बै लामडा न्यू ए लामडा न्यू जगह मुझे वेलोसिटी पकई पारि वन बै सी बोली पकई पारि आउ ये तो मोर वेलोसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम इरेस्पेक्टिव ऑफ द को वेव पकईचे अल्ट्रा वायलेट पकाए जहाँ पकाए तो वेवलेंथ और फ्रिक्वेन्सी दुटा चेंज होने स्पीड कांस्टेंट रही है तो के बै ओमेगा टर्मटा मोर कांस्टेंट देख मुझे जानी आगुरी सो तुमको डायरेक्ट करके देखेदेली तुम कौन कर सब तो गोटे गोटे पकई चेक कर बट ए तो जानगल के ओमेगा पक चेक बट स्टिल न जानी एमती टर्म एक्सप्रेस करके काटेकोटी करके चेक करके ओमेगा चेक कर दे था के स्क्वायर ओमेगा चेक कर दे था खाली ओमेगा तो डेफिनेटली नुहे ओके एमती करके भी करपसन नंबर बी हो रईट आंसर आपको चलो सेवेन नाइंटी नाइन ये क्वेश्चन कौन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस पजेसेस पोजिशन पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू डायरेक्ट मीडियम विथ परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू चार ओके तापर कौच पासेस वैक्यूम इलेक्ट्रिक मीडियम विथ परमिटिविटी देन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बोथ बिकम हाफ वेवलेंथ इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बोथ रिमेन अनचेंज्ड वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड अच्छा देख आम कौन जानचे ना स्पीड आम जानचे वन बै म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ तो मुझे कहीपरि कि स्पीड मोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट बोली आज जो मीडियम रे नहीं थांती ताले मु कहि परथांती 1 बाय एप्सिलॉन रो रूट ओवर बोली कहि परथांती तापरे मते कहि छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम रु डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को जाउछ ताले मु जदी सी बाय वी करूछी ताले मोर हाइ जबो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट रो रूट ओवर हन नै एटा को एप्सिलॉन रो वैल्यू टा जदी मु 4 नउछ एटा को 1 नउछ 4 कहि छी ना तो यार टा मोर 2 हि जो वैल्यू टा मोर अच्छा सी बाई भी जगह फर्दर मुझ कौन पकई पारि सी जगह पकई पारि लामडा इंटू न्यू पकई पारि आउ तो कन्स्टाट न्यू ये भी रोटे जो मीडियम चेंज है तार मन लामडा प्राइम म्यू म्यू काटि तार मुझे कहपर लामडा बै लामडा प्राइम बोली लामडा प्राइम रैल्यू कैसे वेवलेंथ के चेंज बाहर कर लामडा बै टू आगुरी जी वेवलेंथ था बै टू हो बै टू हो देख कौ ऑप्शन वेवलेंथ इज हाफ एट वेवलेंथ हाफ हो फ्रिक्वेन्सी तो नर्माली जो मीडियम चेंज हेल्ली अनचेंज रुहे फ्रिक्वेन्सी एम क्वांटिटी जी चेंज हुए ना तो डी हो रईट आंसर ओके आगे चलो आठश नंबर क्वेश्चन आठश तो यहाँ अरे बाहर से आठश पहुँच गल आठ नंबर हजार हो तुम कैप्सूल भिडियो देखिए कंटिन्यू कर आदि कौन डाउट होगा कहला
এটা কোন দেলা না ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন করছে না ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সহ অ্যাসোসিয়েট করছে ইন ভ্যাকুম ইজ গিভেন বাই দিস এটা ভ্যালু দেছি তারপর কইছি ফর ই জেড এন্ড টি আর ইন ভোল্ট পার মিটার ই জেড আউ টি র ভ্যালু দেলা ভোল্ট পার মিটার রে মিটার রে আর সেকেন্ড রে দ ভ্যালু অফ ওয়েভ ভেক্টর কে কেতে হইল বুঝেছি আচ্ছা के के को मैं नॉर्मली केमती एक्सप्रेस करे के तुम हूँ वेव कॉन्स्टेंट है ना नहीं वैल्यू वेव वेक्टर जो देला के केमी एक्सप्रेस कराब देख तुम स्टैंडर्ड फॉर्म जानव तुम इज इक्वल टू आई कैप एट तुम इन नोट ही कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ए फॉर्मूला अच्छी तुम ओमेगा वैल्यू दे के वैल्यू पचार कही जेड एंड टी इ जेड आउ टी रेस्पेक्टिवली इटा कौन तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर देला आउ कौन देला जेड वैल्यू देला नॉर्मल डिस्टेंस ठीक देला सेकेंड अच्छा तुमको गोटे के वैल्यू बाहर करके कहे तुम गोटे काम कर जीत तुमको मुझे क्वेश्चन करेली यू निजे करा चेस्ट कर है के तुमको वैल्यू कही देखिए वेव कॉन्स्टेंट एवं कहली आउ थे कहीदे बड़ा कि कहबी कही सारे ओल्टा जो मैंने टीके ना गोटे प्लेबैक् स्पीड कमे देखिए चाहिए देखिपर शुणीपर है तो यहाँ हूँ तुम्हें हिंट यू निजे कर कमेंट सेक्शन में मत कह यार आंसर के यार आंसर तुम मैंने कले जानी तुम आंसर बाहर एक्चुअली नाई तो ठकिक बस खाली मुझे कर देखीदे से कम नुहे निजे कर कौन जब न बुझी पार ना तो मतलब कहले मुझे नेक्स्ट भिडियो किसी प्रोब्लम नहीं तुम जो 801 जो भिडियोटा हे से भिडियो स्टार्टिंग मैं तुमको कहीदेवि बट आई वांट यू टू सॉल्व इट सॉल्व कर मत कमेंट कह के आंसर बाहर ओके आज ये क्वेश्चन करिया यार आंसर कह नेक्स्ट भिडियो मुझे क्वेश्चन नहीं आसवि तुम जब किसी स्पेशल नीड अच्छी कह मत लगुच कैप्सूल भिडियो बहुत हेल्पफुल हो तो सेटा को भी करो ओके सो टेक केयर गुड नाइट थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस तुम मान बहुत 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 भल पाइबा जैक लगी 10K रे सब्सक्राइबर पहुँची गले आपको आम आहरी बढ़िया तुम मैंने भी उत्तरोत्तर उन्नति करो सो मुझे रोच तुमने भी रुह जय जगन्नाथ।